हाँ जरूर जरूर सर, मैं साहिल मकबूल श्रीनगर कश्मीर से आपसे जो मुलाकात हुई उसके लिए सबसे पहले अपना एक शेर आपकी नजर करता हूँ कि चंद लम्हे वसल के थे, चंद लम्हे वसल के थे, इस कदर महका गए उम्र भर कल्बो जिगर में ताजगी बाकी रही आपकी मुलाकात की। तो बहुत मेरा एक छोटा सा सवाल है कि एक आम आदमी को क्या दुनिया में कोई ऐसी फैक्ट्री है, कोई कारखाना है जहाँ एक आम आदमी को जिसने सारी दुनिया का इल्म हासिल किया हो, एजुकेटेड हो, सिविलाइज्ड हो, इंटेलेक्चुअल हो, उस कारखाने में डाल के क्या उसको एक शायर बनाया जा सकता है, या शायर खुद ब खुद अल्लाह की तरफ से, भगवान की तरफ से बन के पैदा होता है? आप इस बारे में मुझे थोड़ा सा। देखिए, अल्लाह वालों को तो शायर कुछ खास पसंद होते नहीं है, तो मुझे शक है कि अल्लाह ने भेजे होंगे शायर। बाकी एक कि आपने जो आम आदमी की डेफिनेशन दी है, मेरी दुआ है कि एक दिन यही डेफिनेशन हो जाए। एक आम आदमी जो इंटेलेक्चुअल है, पढ़ा लिखा है, टैलेंटेड है, काबिल है, वाकई अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जहां तक बात है, मेरे ख्याल से कुछ थोड़ा बहुत तो इनबॉर्न टैलेंट और इंक्लिनेशन होता है लोगों का, चाहे वो सिंगिंग में हो, चाहे वो पेंटिंग में हो, चाहे वो डांसिंग में हो, चाहे वो राइटिंग में हो, कुछ तो होता है। और कुछ उसमें ट्रेनिंग भी, इसलिए कि देखिए आर्ट जो है उनमें ज्यादा हेलो क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। उसमें दो चीजें हैं, एक तो इमोशन, फीलिंग, फैंटेसी, इमेजिनेशन, थॉट, वो सब है एक तरफ, वो है रॉ मटेरियल है ये आर्ट का। लेकिन दूसरी तरफ क्राफ्ट भी है, और वो क्राफ्ट जो है वो बड़ी कोल्ड ब्लडेड चीज होती है, वो बड़ी कैलकुलेशन की चीज होती है। आई बिलीव ऑल काइंड ऑफ आर्ट इज एन एक्सरसाइज इन सम काइंड ऑफ स्किजोफ्रेनिया। आप जरा देखिए, मैं आपको मोटे मोटे समझाऊं कि चलिए एक्टिंग की मिसाल ले लेते हैं, इसलिए क्यों फिजिकल है तो ज्यादा, बाकी तो जो पेंटिंग है, राइटिंग है, दूसरे जो प्रोसेसेस है, पोइट्री है, ये अंदर हो रहा है सब कुछ, तो आपको दिखाई नहीं दे रहा कि प्रोसेस क्या है, लेकिन एक्टिंग फिजिकल है तो आपको सामने दिखेगा। एक एक्टर, चलिए सपोज ही इज प्लेइंग हैमलेट, सो ऑब्वियसली ही कैन प्ले हैमलेट इफ ही इज टोटली कन्विंस्ड एंड ही कन्विंसेस हिमसेल्फ दैट ही इज द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। द मोर कन्विंस्ड ही इज द बेटर परफॉर्मेंस ही विल गिव। बट देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, व्हाइल द एक्टर शुड बी कन्विंस्ड दैट ही इज द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ही शुड रिमेंबर हिज चॉक मार्क, कि ये लाइन बोलते बोलते मुझे इस चॉक मार्क पे पहुंच के वो लाइट लेनी है, मेरा फेस उस लाइट के अंदर होना चाहिए। तो वो चॉक मार्क के बारे में सोच रहा है या ये सोच रहा है कि टू बी और नॉट टू बी? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही इज डूइंग बोथ द थिंग्स एट द सेम टाइम विच आर टोटली ऑस्टेंसिबली इनकम्पैटिबल, बट ही इज डूइंग इट द सेम वे। व्हेन यू आर राइटिंग अ पोएम और यू आर राइटिंग अ प्ले, ऑन वन हैंड यू आर टोटली सबमर्ज्ड इन दैट इमोशन एंड दैट पैशन, बट अ पार्ट ऑफ यू इज टोटली कूल, कैलकुलेटेड, लुकिंग एट दिस पैशन एंड लुकिंग एट दिस पर्सन विद इन यू, देयर इज अनदर पर्सन एंड टेलिंग हिम ऑल राइट फाइन यू आर इमोशनल बट डोंट गो इन दैट एवेन्यू, वहां ये गली बंद हो जाएगी आगे, उधर रास्ता नहीं है, तुम इधर चलो, इधर आ जाओ, तुम मेरे साथ आओ, मैं बताता हूँ किधर चलो। ये दोनों काम एक साथ नहीं, ये वर्ड मत यूज करना, तुम एक काम करो। वालेकुम सलाम यार, इतनी फुर्सत नहीं है। वो इतनी चालाकी और होशियारी इतनी जगह नहीं है, कंट्रोल भी करना, इतने लोग कहाँ बैठेंगे, मैं कहाँ जाऊंगा? क्रिएटिव लोग बताते नहीं है, हकीकत ये है कि क्रिएटिव इंसान के अभी जयपुर ही रिटर्न हुआ यार, अभी तो इधर से आगे वही एज फार एज क्राफ्ट इज कंसर्न, अभी अभी इससे आगे दुनिया और है बहुत। एंड इफ ही इज नॉट ही विल हैव बैड क्राफ्ट, एंड इफ ही हैज बैड क्राफ्ट हिज इमोशन एंड पैशन विल नॉट बी कन्वेड। अल्लाह का फजल है यार, ये खेल जो है नहीं आ रहे यार, दो तरफा है, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। अब ये क्राफ्ट तो आप लिख सकते हैं, ओ क्या यार, 25 तारीख को वापस आ गए भैया,
वो तो आप में है तो है और नहीं है तो नहीं है, तो आप कहाँ से सीखेंगे।